गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस कल हमने किया था टॉप 10 पाकिस्तानी पॉपुलर सॉन्ग, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग वीडियो थी बिकॉज़ यू नो वी लव सॉन्ग। ओके, मुझे ऑलमोस्ट सारे गाने याद थे। यस, सो आज हम रिएक्ट करेंगे पाकिस्तानी टॉप 10 ग्रॉस मूवी, लाइक मतलब पैसा किसने कमाया, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मूवी ना साल में एक हार्डली या दो साल में एक या दो, क्योंकि दे फोकस ऑन ड्रामा ओनली। तो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कौन कौन सी मूवी है मगध में जो टॉप 10 में। हे दोस्तों, तोहफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट ग्राउजिंग पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। इसने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस, यार ये रिलीज हुई भी है कि मूवी मुझे पता ही नहीं। ये पता है पाकिस्तान की, लाइक तुम मानेगी नहीं, ये हॉलीवुड लेवल की मूवी है, नॉट बॉलीवुड, हॉलीवुड। ओके, बट ये कितने साल बैन रही, आई डोंट थिंक रिलीज हुई भी है, मुझे पता भी नहीं। 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है पाकिस्तानी सिनेमा में। अभी तक कुछ गिनी चुनी फिल्में ही 50 करोड़ का कलेक्शन कर पाई हैं। ऐसे में अगर कोई फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करे तो ये काफी बड़ी बात है। अब देखो, अपने यहाँ 100 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। हर साल कितनी इंडियन फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती हैं? इसी साल अभी तक करीब 30 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो अपने यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। वैसे ये यहाँ का 100 करोड़ नहीं है, ये वहाँ का 100 करोड़ है, क्योंकि यहाँ का 100 करोड़ पाकिस्तान का लगभग 270 करोड़ होगा। तो आज हम हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में जिन पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बात करेंगे वो पाकिस्तानी रुपीज में होगा, ना कि इंडियन रुपीज में। नंबर 5, तीफा इन ट्रबल। अली जफर को तो आप सब जानते होंगे। अली जफर ने करीब 7 हिंदी फिल्मों में काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अली जफर जो एक पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है और जिसका नाम है तीफा इन ट्रबल। 2018 में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसे आईएमडीबी पर 7% की रेटिंग मिली है। ये उस टाइम की सबसे महंगी पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे करीब 33 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, अपने यहाँ के हिसाब से करीब 18.5 करोड़। सब अंडर कंट्रोल है, बस एक छोटा सा मसला है कि कोई चीज कंट्रोल में नहीं आ रही। नंबर 4, पंजाब नहीं जाऊंगी। ओह यार दिस मूवी, मतलब बता रहा हूँ लाइक दिस इज द बेस्ट, लाइक ये मूवी देखी पाकिस्तान की मैंने, दिस इज द बेस्ट मूवी एवर एवर यू वॉच, लाइक लिटरली बॉलीवुड हॉलीवुड अवतार देखी ना हमने, उससे पहले अवतार लाइक उस लेवल की नहीं है, बट द स्टोरी एंड द कल्चर ना मतलब द बेस्ट, लाइक पंजाबी मूवी जैसे वो एक कौन सी मूवी अमरिंदर गिल की जो पाकिस्तान लड़की से प्यार करता है, ये पंजाबी मूवी है जो भी है, समझ गई ना, उस टाइप की मूवी है, मतलब लिटरली ऐसी नहीं है, बट यू नो यू विल गेट द आइडिया। ने डायरेक्ट किया है नदीम भाई के बारे में जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि इन्होंने अभी तक 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं और ये चारों फिल्में हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में से एक है। पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म है जिसे आईएमडीबी पर 7% की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को 11.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 51.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। That's not bad for like न्यू उभरता हुआ इंडस्ट्री वाला देश। औरत से कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। नंबर 3, लंदन नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगी 2017 में आई थी और लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म इस साल 2022 में रिलीज हुई है। इसलिए नदीम बैग ने ही डायरेक्ट किया है। दरअसल लंदन नहीं जाऊंगा जो फिल्म है वो पंजाब नहीं जाऊंगी की स्पिन ऑफ है। अब कहानी तो मुझे पता नहीं है लेकिन ये फिल्म उसी फिल्म की स्पिन ऑफ है और इसलिए में भी हुमायूं सईद और महवीस हयात लीड रोल में है। फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे जिसे आईएमडीबी पर 5.2 की रेटिंग मिली है। लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म को 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बनाया गया था, यानी कि इंडियन रुपीज में इस्लिम ने करीब 21 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अर्ज किया जहां पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है।
नंबर दो जवानी फिर नहीं आनी टू, ये सिक्वल फिल्म है और इसलिए इनमें भी तो है एक जवानी फिर नहीं आनी एक मूवी आई थिंक उसकी रणबीर कपूर की, ये गाना है जवानी फिर एक बार नहीं 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 गाने जवानी फिर नहीं आनी 2015 में आई आई थिंक ब्रो लाइक पाकिस्तानी मूवी का एक सुपर हिट फार्मूला है दिस एक्टर ओके नदीम लाइक दिस एक्टर इज जिस टीम मूवी में तो यही है जो टॉप ग्रॉसी में सो या आई थिंक दिस इज द फार्मूला सबसे ज्यादा कमाई की थी 2018 में इसका सिक्वल आया और अभी इस साल तक ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग पाकिस्तानी फिल्मों में नंबर 1 पर थी लेकिन अभी ये फिल्म नंबर 2 पर है ओके दिस नंबर 1 ऑब्वियसली मौलाजट फर्स्ट फिल्म थी जिसे आईएमडीबी पर 7.2 की रेटिंग मिली है इस फिल्म को 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ का कलेक्शन किया है nice. बजट को देखें तो फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है 73 करोड़ को अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो इस फिल्म ने करीब 27.5 करोड़ का कलेक्शन किया है अम्मी जान कहती थी कोई बंदा छोटा नहीं होता और जिसके दिल में प्यार हो उसे का खोटा नहीं होता बट ऑफ कोर्स अम्मी जान डिडंट नो जैक नंबर 1 द लेजेंड ऑफ मौलाजट दिस इज द लेजेंड ऑफ मौलाजट पाकिस्तानी सिनेमा मैं बताऊं एक बात लिटरली कह रहा हूं जितने भी मुझे पता नहीं कितना बोलेगा बंदा इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अगर ये मूवी रिलीज इंडिया में होती ना मैं लिख के दे रहा हूँ ये एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 300-400 करोड़ तो इजीली कर देती है वाली मैं लिटरली कह रहा हूँ खास स्पेशली लाइक नॉर्थ इंडिया में लाइक दिल्ली जहाँ पंजाबी बोली जाती है दिल्ली हरियाणा और पंजाब में वही नहीं कर देती कसम से कह रहा हूँ दिस मूवी इज लिट ग्राफिक लाइक बॉलीवुड वालों ने भी इसके बारे में आउटफिट किया था बट आई डोंट नो इंडिया में कभी रिलीज होगी नहीं वो पहली फिल्म है जिसने 100 और 150 करोड़ से ज्यादा कमाई की है काफी अच्छा कलेक्शन किया है देखा की माने तो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें फवाद खान के साथ हमजा अली अब्बासी माहिरा खान और हुमैमा मलिक अहम भूमिका में नजर आएंगे ये फिल्म 1979 में आई पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म मौलाजट की रिमेक है तो इस फिल्म को करीब 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 160 करोड़ का कलेक्शन किया है इंडियन रुपीस के हिसाब से करीब 60 करोड़ का कलेक्शन किया है तो ये वो 5 पाकिस्तानी फिल्में लाइक टोटल पंजाबी डायलॉग है उसमें ठीक है बहुत अच्छी मूवी है बट द थिंग इज मैंने बोला ना पाकिस्तान में द थिंग इज वो ड्रामा और म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं नॉट इन द मूवी बट एवर इन पाकिस्तान की जो वो मूवी जो थिएटर्स वगैरह उनको तो बिजनेस ही नहीं होगा बिल्कुल तो वही तो रिलीज नहीं होती ना वहां ऑब्वियसली साल में एक आएगी क्या कंपटीशन है जहां कंपटीशन ही वहां पे ग्रोथ नहीं ब्रो कम ऑन दिस इज द फार्मूला सो इंडिया में तो हर हफ्ते मूवी रिलीज होती है हर हफ्ते वो भी एक नहीं दो एटलीस्ट मिनिमम अगर हर एक स्टेट की मिलाई जाए फिर तो अलग ही बात है फिर तो एक हफ्ते में 5-5 होंगी ठीक है तो द थिंग इज कंपटीशन नहीं है तो इसलिए है और बाकी जब यार धीरे धीरे ग्रो करेगा सिनेमा पर ये भी इशू है वहाँ पे एक मूवी बन जाए ना उस पर 100 पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं कोई बैन मौलाजट भी कब से हो रखी है अभी कुछ साल रिलीज पता नहीं हुई भी मुझे नहीं पता और लोग किसी किसी चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करते ना यस तो वो थिंग है एक वो थिंग है बाकी लाइक दे फोकस ऑन ड्रामा सो आई एग्री ड्रामा दे लाइक हैव मिलियंस व्यू 100-100 मिलियन भी जाते हैं उनके हर एपिसोड्स पे सो अरे यार देखो जिस चीज में आप अच्छे हो आई थिंक उसी में ग्रो करना चाहिए मूवी वाला हम सीन संभाल लेते हैं ओके या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल देन ठीक है बाय बाय एंड पीस